महेंद्र मेरा नाम है, आरएमएस फ्लक्स सॉल्यूशन हमारा फर्म है, हिम्मतनगर गुजरात में लोकेटेड है। माइरिगेशो के साथ हम लास्ट 2.5 इयर्स से करीबन काम कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन, एग्रीकल्चर और लैंडस्केप सभी सेगमेंट में हम काम करते हैं। एग्रीकल्चर में आप हमारे कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा? एग्रीकल्चर में हम माइरिगेशो वर्ड का सबसे जो की प्रोडक्ट है विंकलर, दोनों साइज में हाफ और पौने में विंकलर का सबसे ज्यादा काम होता है। देन आफ्टर न्यू लॉन्च जो प्रोडक्ट इस साल हुआ है हंस, हंस का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी मार्केट से। बाकी एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्ट्स है, फिल्टर्स हो गए, वो थोड़ा कम जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे सब्सिडी का मार्केट है इसलिए। ठीक है सर, लैंडस्केपिंग में आप हमारे कौन से प्रोडक्ट्स को? लैंडस्केपिंग में हम इरीवर्ल्ड की सभी प्रोडक्ट्स हम लैंडस्केपिंग में इरीवर्ल्ड की ब्रांड की यूज करते हैं। जैसे अपना ऑल साइज सर्विसर अलग है, वॉल बॉक्स आ गए, स्विंग जॉइंट आ गए, बाकी जो कंपोनेंट्स है लाइक एयर वाल है, यूनियन बोल वाल है, फिर क्विक कपलिंग वाल है, ब्रास प्लास्टिक और उसके जो सपोर्टिंग कंपोनेंट्स जो भी है लैंडस्केप में पूरा हम इरीवर्ल्ड की यूज करते हैं। तो जो हमारा स्विंग जॉइंट है सर, उसकी आपकी क्वालिटी वाइज आप उसको कैसे देखते हैं? बढ़िया क्वालिटी है, लास्ट हम 2.23 इयर्स से उसमें काम कर रहे हैं, आज तक हमें कभी किसी ब्रांड में कोई कंप्लेंट नहीं आया है। तो सर अगर मैं आपको एक रेटिंग आपसे मैं कहूँ देने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स को 1 से 10 के स्तर पर, तो आप उसको कितना रेटिंग देंगे सर? ऑब्वियसली 10 ही देंगे। तो आप और वॉल बॉक्स के लिए सर? वॉल बॉक्स के लिए भी हम ऑल साइज में हम 10 देंगे, बट एक 6 इंच का जो थोड़ा हमको लगा था, क्योंकि अभी हमने वो डिसकंटिन्यू भी ज्यादा कर दिया है, न्यू लॉन्च जो आया 7 इंच स्क्वायर वाला, तो वॉल बॉक्स में भी वही रेटिंग है 10 वाला। थैंक यू सर। तो आप आखिर में अपने किसान भाइयों के लिए क्या सर संदेश देना चाहेंगे? हमारे किसान भाइयों के लिए यही संदेश, वैसे भी आपको लास्ट 2 ईयर से हमारे यहाँ के किसान विंकलर और बाकी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो किसान तो बहुत खुश है ही हमारे, और जो विंकलर जो आया है वो अभी हम मिनी इंपैक्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे, उसका मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि गुजरात में काफी ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रेशर की बहुत दिक्कत रहती है, वाटर लेवल बहुत डाउन है, तो वहाँ पे भी विंकलर सबसे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है किसान के लिए एज वेल एज एनवायरमेंट के लिए भी, क्योंकि उसमें कम पानी की लागत होती है। तो ये किस किस फसल पर ये विंकलर यहाँ पर लगाया जा रहा है? हमारे यहाँ मेजरली जो नॉर्थ वाला एरिया है नॉर्थ गुजरात का, उसमें मेजरली फार्मर्स है ना वो पोटेटो में ज्यादा यूज करते हैं, बाकी ग्राउंड हो गया और काफी पोर्शन है जैसे भावनगर वो ऑनियन का बेल्ट है, तो ऑनियन में विंकलर यूज होता है, बाकी क्यूमिन है जीरा, तो जीरा का जो बेल्ट है जीरा में सबसे ज्यादा एक किफायती प्रोडक्ट है, क्योंकि जीरा को बहुत कम फ्लो में पानी चाहिए, वहां पे स्प्रिंकलर नहीं चल सकते, तो किसानों को मिनी स्प्रिंकलर की जगह विंकलर लगाना चाहिए। ऑब्वियसली लगाना चाहिए, एक बार अगर नहीं लगाए तो एक बार एटलीस्ट 20-25-50 पीस से ट्राई करना भी चाहिए। तो ये किफायती भी है उनके लिए? बिल्कुल किफायती है उसके लिए, कॉस्ट वाइज भी है परफॉर्मेंस वाइज भी है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। खूब आभार।